हमारी 1868 रुपए की चीज और 1100 रुपए में जाए, इससे बड़ा नुकसान और क्या होगा। अगर ये सरकार को ये अच्छा लग रहा है हमारी शहीदी उसने यहाँ ही लेनी है तो कोई बात नहीं, अगर हमारी तकदीर में शहीदी है तो शहीदी दे देंगे। केवल मोदी के जब बच्चे नहीं हैं उसको क्या दुख है कि यहाँ के बच्चे यहाँ लोगों के कैसे परेशान हैं, घर में कितने परेशान हैं। कहते हैं हम पैसे, बंगले बनते हैं, कोठी इनकी और एस मौज और हेलीकॉप्टरों में उड़ते हैं ये। तो यही है कि 15 लाख खाते में आएंगे। अरे 15 लाख को मारो गोली साले को। जो 70 साल की पीड़ा है किसानों की, हमारा जो बोते हैं जो फसल वो उचित रेट पर नहीं बिकती, हम अपनी इस लड़ाई को लेकर आए हैं। एक हमारी जो इन्होंने वादा किया था हमसे, हमें कांग्रेस हमारे लिए क्या दुश्मन थी भाई, सुनिए पहले, कांग्रेस क्या दुश्मन थी, इसी बात से तो उसे वोट नहीं दिया। एक भाई हम फसल बोते हैं और वो हमको MSP पर खरीदी नहीं होती, लुट जाती है फसल होने पौने दामों में, और इन्होंने हमसे वादा किया था एक जिस दिन हम सरकार में आएंगे लोकपाल विधेयक लाएंगे और आपकी फसल को उचित रेट में खरीदा जाएगा। आपको अनदेखा करके बंगाल चुनाव चल रहा है, तो आप कह रहे हो वो सरकार को हराने नहीं आए हैं, हराओगे नहीं तो जीतोगे कैसे जब वो सुनी नहीं रही। सुनिए भैया वो बात बहुत पीछे की है, अभी तो हम इस बात में हैं। एक इनकी कोई बुद्धि में थोड़ी बहुत कमी हो, अब भी किसान इतना साहसी होता है और इतना परिश्रमी होता है, वो ये देख रहा है इसमें किसी तरह से सरकार अपना सुधार ले, इससे हमारी लड़ाई नहीं है। लड़ाई हमारी कांग्रेस से भी इसी बात पे थी, नहीं मानेंगी तो हम भी अपना दाव अपनाएंगे, कुछ भी करें चाहे, जब ये हमारी बात को नहीं मानेगी तो हम बंगाल ना देखो। हमने बंगाल, तेने देखा होगा, मैंने देखा है, आज एक बंगाल के बच्चे ने दिखाया है एक फील्ड में, जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे उनकी आरंपार भीड़ इतनी रहती थी, अब उसमें ना मेरे अंदाज से 2-2.5 हज़ार आदमी होंगे उसमें फील्ड में, तो हार तो उसी में हो गई, इसने किसका साथ छोड़ दिया दुनिया ने। अच्छा 2 मई तक सरकार बंगाल में ही रहेगी, जब तक वहाँ पे इलेक्शन है तब तक ऐसी बैठी रहेंगे। हम पे क्या परेशानी है यार, एक बात बताए, हमारी फसल मर जाती है ना, और फसल मरने के बाद किसान ये कह दे अब तो खेत ही छोड़ दूं। हम यहाँ जब जाएंगे जब तक बिल वापस नहीं तो घर वापस नहीं। लॉलीपॉप दे दिया और अब यहाँ पे घूम रहा सरकार बंगाल में, तो क्या उसके साथ बंगाल चले जाए हम भी? हम तो अपने धरने पे रहेंगे यहाँ, सरकार तो चाह रही है कि किसी तरीके से धरना खत्म हो जाए, तो जब तक ये इसका कोई लिमिट नहीं हमारी, ना हम पीछे हटने वाले हैं, चाहे 2 साल चले या 4 साल चले। सरकार फिर बोलेगी कि विदेश से फंडिंग हो रही है आपको, कहां दे रही है, इतना ज्यादा टाइम रुकेगी, यहां के देख लेना कहां से पेंडिंग हो रही है। हम अपनी फसल का दसौंध निकालते हैं गुरुद्वारे के लिए, हैं ये हमारे बाबा जी गुरुद्वारे वाले लंगर चला रहे हैं, देखो समझे, आप देख रहे हो, आप नहीं देख रहे, आप कह रहे हो यहीं रहेंगे, अभी लू चलेगी बहुत दूर, तो कोई बात नहीं, लू चलेगी तो हम अपने खेतों में भी तो रहते हैं, हम कौन से अंदर घुस जाते हैं, हम खेती अपनी पानी पत्ता लगाते हैं खेतों में, लू तो हमारे ऊपर से गुजरती है, सर्दी भी गुजरती है, लू भी गुजरती है, सर्दी में रह गए हैं तो लू में रहेंगे। सर्दी में भी काफी लोग जैसे शहीद हो गए, फिर वो आगड़ा बढ़ता रहेगा, तो ये तो कोई बात नहीं, अगर ये सरकार को ये अच्छा लग रहा है हमारी शहीदी उसने यहाँ ही लेनी है तो कोई बात नहीं, अगर हमारी तकदीर में शहीदी है तो शहीदी दे देंगे। तो उनको दूसरे बच्चों का दुख भी नहीं होता, जिसकी बेटी नहीं होती उसको दुख नहीं होता उतना, जिसकी बेटी होती उसको दुख ज़्यादा होता है, उसके जब दोनों के अपने इसके योगी के और मोदी के जब बच्चे नहीं हैं उसको क्या दुख है कि यहाँ के बच्चे यहाँ लोगों के कैसे परेशान हैं, घर में कितने परेशान हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि जिसके अपने बच्चे नहीं वो दूसरे के बच्चों का दुख नहीं समझता दुख, मैं तो इसी यही बात कहना चाहता हूँ। पता नहीं था आपको क्योंकि बच्चे नहीं है, इस बात का क्या पता था, ये पहले इस बात का पता हो तो फिर आदमी पहले मरने से बचना जाए, पहले सोच ले इधर मैंने जाना मर जाऊंगा, पहले तो किसी को इस बात का पता नहीं होता ना। कहाँ से आप, पंजाब से कि यूपी से? पंजाब से यूपी से होते तो अलग बात होती, क्या डबल हो जाता ऐसे हो जाता, मगर उनके बच्चे जिसके होते हैं उसको दुख होता है बच्चों का, कभी भी आप देखना जिसके बच्चे नहीं होते उसको कोई दुख नहीं होता दूसरों के बच्चों का। प्रधानमंत्री किसको चाहते हैं आप?
प्रधानमंत्री तो उसी को चाहेंगे जिसके बच्चे हों, उसी को अब खड़ा करेंगे। कांग्रेस में अगर राहुल गांधी आ गए तो वो भी सारी यार तो बच्चे की बात छोड़िए। नहीं बच्चे की नहीं, अब आगे क्यों देखेंगे ना, बच्चों वाला देखेंगे। जिसके दो चार बच्चे होंगे तो बात की बात है, अब तो अपना चुनेंगे, किसानों का किसान चुनेगा। अब तो हम अभी देश का छोड़ा क्या है, क्या छोड़ा देश का इसने? ट्रेनें बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, सब कुछ बेचे जा रहा है। बार बार आप लोग बोलते हैं बेच दिया, गिरवी रखने में बेचने में बहुत फर्क है। क्या अच्छी बात है ये? क्यों क्यों रखा? इसे राज चलाने के लिए बिठाया था, जैसे गिरवी रखने के लिए बिठाया था। इसे नहीं चल रहा तो नीचे उतर जाए, दूसरा बैठ जाएगा। कोई जरूरी है कि यही 5 साल टिकारेगा? आने वाली सरकार कोई भी हो, हम ये कहते हैं कोई हो, हम एक नहीं इनका विरोध कर रहे हैं, कोई भी हो जो गलत काम करे देश के लिए, देश को गलत चलाए, लूटे, जो भी करे, उसे फौरन सस्पेंड करना चाहिए, उसी टाइम बंद करना चाहिए। सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है? हाँ। सरकार अभी कंपेयर करें सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल, हाँ, तो अच्छी पढ़ाई किसमें है? अच्छी पढ़ाई तो प्राइवेट में है। तो अगर गवर्नमेंट स्कूल का प्राइवेट, ये तो साहब इनकी वो है, इन बातों से कोई फायदा नहीं है, इन बातों से कोई फायदा नहीं। सुन सरकारी स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़े हुए इस देश के प्रधानमंत्री बने, सरकारी स्कूल में पढ़े हुए इस देश के इंजीनियर बने, इन्होंने तो सब बात से मुंह मोड़ लिया। इसकी बात नहीं, ये प्राइवेटकरण कांग्रेसी राज में भी हो गया। क्यों? टैक्स लेते हैं हम पैसे, बंगले बनते हैं, कोठी इनकी, और ऐस मौज और हेलीकॉप्टरों में उड़ते हैं ये। हम पे हमको इन्होंने दिया क्या? हमको जो चीज़ चाहिए, हमको स्कूल चाहिए, हमको बिजली चाहिए, हमको सड़क चाहिए, हमको व्यवस्था चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, क्यों नहीं दिया? क्यों क्यों किया निजीकरण स्कूलों का? पहले सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए हमारे यहाँ के इतने योग्य थे। स्वामी विवेकानंद कहाँ पढ़ा था वो? विदेशों में जिसने लोहा लिया विदेशों में बोलने में, कहाँ पढ़े थे? कहाँ थे जब प्राइवेट स्कूल? अरे यार सोचिए, इन्होंने तो अपना सारा पल्ला झाड़ के पटक दिया, रोड बना रहे हैं। हमारे दिल्ली से आगरा तक रोड था, उसका नाम था शेर शाह सूरी, और भी रोड होगा कोई ना कोई शेर शाह सूरी के नाम से। इन्होंने जो पहले राजा महाराजा थे, जब तो इतना पूंजी भी नहीं था, जब उन्होंने रोड बनाए, कंकर के रोड थे, आपने भी देखा होगा भाई, हमने भी देखा, बहुत शानदार रोड थे। तो जब ये हम रोड बना रहे हैं, हम वो दे रहे हैं टैक्स, तो इस पे ये क्यों लग रहा है 50 या 100 रुपए जो ये लेते हैं टूल टैक्स? किस लिए? जब हम गाड़ी लेता है कोई भाई, उस पर रोड टैक्स पहले ही लिया जाता, कट जाता है, रोड टैक्स आपको देना पड़ेगा सरकार को। और दोहरी मारिए, एक अब जब चल रहे हो तो 100 रुपए से 10 बार निकले तो लाइए 50 या 100 रुपये लिए। तो ये तो लूट हो रही है खुलेआम। किसके लिए लूट हो रही है? चुनाव लड़ेंगी सर, ये चुनाव के लिए पैसा लगना चाहिए। कोई ना यहाँ चुनाव आयोग रहा, ना कि कोई किसी तरह का काम रहा, यहाँ तो भ्रष्टाचार के अलावा देश को डुबो दिया। जो हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था देश आज़ाद होगा, हमारा सब भाई खुशी होगा, हमारे ऊंच नीच का कोई द्वेष भाव नहीं रहेगा, जिसके लिए देश आज़ाद किया, किसके लिए किया? रामलला जी आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, इसके लिए नहीं बताएंगे। आम जनता क्यों नहीं कह रही है? सारी आम जनता कह रही है, कौन नहीं कह रहा? कौन नहीं? आम जनता कैसे कह दे? ये जो दे रहे हैं इन्हें खाने के लिए, खाने के लिए दे रहे हैं ये कोटे में, ये फ्री थोड़ा इन्हें मिला, सरकार ने खरीदा क्यों और बांट दिया फ्री? घाटा किसका हुआ? घाटा देश का नहीं हुआ, ये और उतने निकम्मे हो गए लोग खाने वाले, आ जाएगा महीने बाद खा ही लेंगे। अरे हमारे गेहूँ का धान का रेट बढ़ाते हुए 10-20 रुपए 100 दफ़ा ये सोचते हैं, और डीजल पेट्रोल तो रोज ही बढ़ रहा है, उसे बढ़ाते हुए कोई नहीं इनके दिल पर असर आ रहा? कैसे डाल रहा किसान डीजल ले रहा, कैसे ले रहा है? रोज बढ़ रहा है, रोज डीजल पेट्रोल पे कल उन्होंने कहा इससे ज्यादा नहीं होगा जब तक। अच्छा, इससे ज्यादा नहीं होगा, पूरा ऊपर चढ़ा दिया, इससे ज्यादा नहीं होगा है? जब तक चुनाव है। हाँ तो क्या है, क्या है, क्यों बढ़ाया इतना, इस पे क्यों नहीं लगी, इस पे GST क्यों नहीं लगी? इन बातों को जनता क्यों नहीं देख पा रही है कि जब तक चुनाव होगा इस तरह, क्योंकि जब शब्द आते हैं आखिर क्यों ऐसा, क्यों कि सिर्फ किसान ही आए हैं, या फिर जब आप दिल्ली में देखते हैं छोटे छोटे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपने लिए मांग करते हैं, आम जनता जो भर रही है वो कुछ लोग ऐसा है जो कह रहे हैं। अब क्या करें, अब हम बोल रहे हैं तो हमारे इस बोलने का असर हो जाएगा, इस कान से जाएगी इस कान को निकल जाएगी, दुनिया तो
अब यहाँ चार महीने से परेशान लोग हैं, कितनी सुनवाई हो गई? हर देखो सारी बातें यही है कि 15 लाख खाते में आएंगे। अरे 15 लाख मारो गोली साले को। तुम जो चाहे तुम्हारे पास उसे बचा लो। बिल उसकी संबंधी सही आ जाएगी, हो सकता है वापसी हमारे छोड़ दो। ये तो सारी जनता के साथ है ना, अगर भला करेंगे। और पेट्रोल में जा रहा है सरकार से तो विरोध नहीं है? सरकार से विरोध इसी बात का है, बिल वापस करें। हाँ बिल्कुल है, फिर नहीं होगा, फिर नहीं करेंगे। मोदी आएंगे फिर देखेंगे बाद में। वो तो अगली बात आएंगे नहीं, पूरी पहले देखेंगे। हम अकेले की बात नहीं है ना, पूरे पूरे देश की बात है ये। पूरे देश का जो जनता कहेगी वही होगा। अगर पूरे देश की जनता की मानेंगे तो वही होगा। जनता वाले किसान शहीद हो रहे हैं, राजनीति के चक्कर में धरने में बैठे हैं, किसान शहीद हो रहे हैं। आंदोलन करना ठीक है, विरोध करना ठीक है, लेकिन ऐसा विरोध मत करिए जिससे कि लोगों की जान चली जाए। फिर राजनीति कर कौन रहा है? जब जब हमको खाने की भूख लग रही है पेट में, किसानों को भूख है कि नेताओं को भूख है? किसान की पीड़ा को किसान समझ रहा है? वो कृषि मंत्री तो बैठ गया एसी रूमों में, हवाई जहाजों में जाता है। किसान 70 साल की पीड़ा है देश आजाद हुआ जब से, और हर वो सरकार ये कहती है दूर कर रहा है। कहाँ कर दी पीड़ा? कैसे कर दी? बिहार में कर दिया पीड़ा दूर, वह मंडी रही है, वहाँ हमसे भी बुरा हाल है। तो पौध लगाते हैं बिहारी बेचारे, हमारे यहाँ नौकरी करते हैं, कहाँ कर देगा? सेब है कश्मीर में, सेब पहले मंडी खत्म हो गई, उनको सेब को उन्हें पौने दामों में लूटा जाता है। ये कैसे मान लें इनकी, ये कर देंगे? कहीं मिर्च बुब रही है, मिर्च जो आज हमको पुरिया में सौदा मिलता है वो वहाँ से 200 रुपया 250 रुपया किलो लुट रहा है। ये किसान सब जगह लुट रहा है, किसान है यही नहीं कि अमीर लोग लुट रहे हैं, जहाँ जो फसल बोता है उसकी उन्हें पौने दामों में लुटता है। संशोधन के लिए तैयार है, किसान लोग अड़े हुए हैं। काय को संशोधन? संशोधन नहीं होगा। संशोधन किसका? जब एक चीज खराब है संशोधन को उसे दूर करिए, और से चीन से लामे, पाकिस्तान से लामे। यार न्यू बताए, ये मीडिया एक पाकिस्तान भूखा मर रहा है, हमें तो हिंदुस्तान की दाई भूखा कोई देश नहीं दिखा ये। और वहाँ 52 रुपये लीटर तेल है डीजल, और यहाँ तेल 90 रुपये 92 रुपये लीटर है। हम भूखे वो भूखा है? ये सारा पर्दा फाश हो गया। इस मीडिया ने, जो मोदी मीडिया है, इन्होंने हाँ हाँ करके मोदी को इतना बड़ा बना दिया कि कितना बड़ा आदमी है और कितना बढ़िया है। और उसकी पोल खुल गई भैया, अब नहीं तो कभी नहीं। अगर यू किसानों से तो किसान तो यहाँ करवा के जाएंगे, चाहे पट्टा 2 साल लग जाए 3 साल लग जाए, अड़ गई बात तो अड़ी गई। घर से सर यहाँ ट्रोली में नाज भरवा के मंगा लेंगे, सब्जी हमारे घर का होता है, चक्की रह लेंगे, चून पीस पीस के रोटी। कौन कह रहे हैं किसान को अपने किसानों के लिए लड़ेगा नहीं? वो नेता है किसानों के, नेता जा रहे हैं, सब किसान जा रहे हैं। जैसे ये नेता तो अपने घर बनने के लिए, हमारे नेता को तो पीड़ा है किसानों की, जो किसानों के 40 नेता है उन्हें तो किसानों की पीड़ा है, इसीलिए तो आंदोलन हुआ है। प्रधानमंत्री जी भी तो कह रहा कल कि मैं गरीब हूँ, गरीब का बेटा हूँ। अरे तो किसान गरीब कोई नहीं बन रहा, किसान तो इनने कर दिया गरीब। किसान गरीब काहे का है? उसकी फसल लूट रही है, जो गरीब कर दिया किसान तो इन्होंने। ये सब कहने की बात। और हम तो गरीब, देखिए हम अपनी पूर्ति कर भी लेंगे। किसान तो एक देश के लिए लड़ रहा है। किसान जब भी लड़ा था, जब लाल बहादुर ने हाथ जोड़ा, लाल बहादुर शास्त्री ने, भाई सोमवार के दिन दोपहर तक उपवास करिए, भाई हमारे पास अन्न नहीं है। किसानों ने खून पसीने की कमाई से देश का भंडार भर दिया। आज इनको इतनी वो लग रही है किसान से नफरत, ये कब मरे हैं, आज मरे कल मरे ऐसा लग रहा है इनको तो। इनमें फिर कैसे करें? हमारी पीड़ा है बेटा, और ये पीड़ा हल करके जाएंगे, अब नहीं तो कभी नहीं। अब जो संगठन बना है, और मैं तो भगवान से ये शुक्रिया अदा करता हूँ, और पंजाब वाले भाइयों को सदा भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, और अपने गुरुद्वारों ने जो लंगर चलाया है यहाँ, उनकी कृपा से हमारा गुरु नानक का लंगर चल रहा है, खाने की कोई कमी नहीं, पीने की कोई कमी नहीं। और फिर हमारे सब भाई अपने गांवों से जा जाकर, अब तो यहाँ कोई सब्जी ला रहा है, कोई आटा ला रहा है, कोई पीपा ला रहा है, सब अपने सहयोग से अपना काम करेंगे। और हम जो बूढ़े बूढ़े भी ये कहते नहीं, बुजुर्ग भग जाओ यहाँ से, गांव गए 10-20 बुजुर्ग, 50 बुजुर्ग तो ऐसे हैं जिन पर बेचारे, इन पर मेरी उम्र से ज़्यादा के अपने यहाँ नवाए धुवाए यहाँ परे गिनती के नहीं सरकार तो, और नहीं अपने फसल को भी करेंगे काटेंगे, और यहाँ के आंदोलन को नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारा काम नहीं होगा। ये हमारी पीड़ा है, हमको ये उदमादे नहीं बैठे। आज तू दो दिन तू बैठ के देख ले, या वो प्रधानमंत्री यहाँ बैठ के देख ले 2 दिन, पर अपनी पीड़ा के लिए बैठे, और पीड़ा हल नहीं होगी जब तक नहीं जाएंगे।